नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन नाइन न्यूज। मैं राशिद अली। ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं साल के अंत तक, जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। जी हाँ, तो वहीं अभी हाल ही में इनमें उपचुनाव भी हुए हैं। जी हाँ, अभी हाल ही में आपने देखा कि राजस्थान में उपचुनाव हुए और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में हुए और अब यूपी में हुए। हालांकि यूपी में अभी विधानसभा चुनाव नहीं है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए। जी हाँ, जिसमें आप अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में दो लोकसभा सीट, जो कि अलवर और अजमेर, और एक मांडलगढ़ सीट, इन तीनों ही जगह कांग्रेस ने जीत हासिल की। और बात करें मध्य प्रदेश चुनाव की, कोलारस और मुंगावली में उपचुनाव हुए दोनों ही विधानसभा सीट, जिसमें यहाँ भी दोनों कांग्रेस ने बाजी मारी। तो अब बात करते हैं राजस्थान को लेकर। राजस्थान में अभी उपचुनावों में मिली जीत कांग्रेस के सिर पर चढ़कर बोल रही है, और कहीं ना कहीं उनकी ताकत इससे दुगनी होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर वसुंधरा राजे सरकार है। और ये लड़ाई बस केवल वहाँ के प्रत्याशियों की नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई वहाँ पर सिंधिया बनाम सचिन हो गई थी। यानी कि ये अपनी पार्टी के सीएम पद की दावेदारी को लेकर भी चल रही थी, और इसमें कहीं ना कहीं अब जब कांग्रेस जीत गई है, तो सचिन पायलट की दावेदारी और मजबूत हो गई है। जी हाँ, और खबर है राजस्थान की, जहां पर एक बयान आया है अशोक गहलोत का, जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि 2019 के चुनावों में बीजेपी को सबक सिखाने को तैयार है जनता, अशोक गहलोत। देखिए, यहाँ भी एक असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है कि अब राजस्थान में कौन से नेता को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए, अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट। और हाल ही में सचिन पायलट के नेतृत्व में उपचुनाव हुए, और उन्होंने इस बात के पूरे सबूत दिए कि अब वो पूरे सीएम पद की दावेदारी को लेकर सक्षम है। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार, कालाधन, रोजगार और किसानों को सूचित मूल्य दिलाने के अपने वादों को पूरा करने में बुरी तरह से विफल साबित हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर और मुद्दों को लेकर उन्होंने निशाना साधा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़ाई अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भी रही है। जी हाँ, क्योंकि इनकी दावेदारी, सीएम पद की दावेदारी भी काफ़ी रूप लेती जा रही है। और देखिए आप किस तरह से राजस्थान के उपचुनावों के बाद सिंधिया बनाम सचिन ये लड़ाई हुई, जिसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज की। और उसके बाद चुनावों के दौरान का दौर क्या था, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तीन सीटों पर हुए उपचुनावों में मिली हार के बाद सीएम वसुंधरा राजे एक्शन में दिख रही हैं। वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से जनता का विश्वास हासिल करने के लिए जिलाधीशों को सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने और फील्ड में जाकर लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी तो राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आम जन तक पहुंचेगा। राज्य ने जिलाधीश सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2018-19 के बजट की घोषणाओं को धरातल पर लाने के लिए अभी से काम शुरू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज माफी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र शुरू कर उन्हें राहत दिलाएं, और समर्थन मूल्य पर खरीद, शौचालय निर्माण की किस्त सहित प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का लंबित भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जाए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने जिलाधीशों को आम जन से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निस्तारण की उचित निगरानी करने, विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने, रात्रि चौपाल कार्यक्रम का ज़्यादा प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने जैसे उपायों कर लोगों को खुशहाल बनाने पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं देखने वाली बात यह है कि जब उपचुनावों की तैयारी चल रही थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पूरे जोश में दिख रही थी और कांग्रेस कहीं ना कहीं उससे एक कदम पीछे चल रही थी। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी ये सोच रही थी कि राज्य में उसकी सरकार है और इन उपचुनावों में भी कहीं ना कहीं उसकी जीत होगी। लेकिन तीनों
उपचुनावों में जहां की दो सीटें जो कि लोकसभा सीट थी अलवर और अजमेर और एक मांडलगढ़ विधानसभा सीट थी, इन तीनों पर जो नतीजे आए वो बेहद ही चौंकाने वाले निकले। आपको बता दें कि तीनों पर ही कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की। जी हां, दोनों संसदीय सीट लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने भारी मतों से जीत दर्ज की और मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस की जीत हुई, जिससे कांग्रेस को एक उम्मीद जगी और बीजेपी बैकफुट पर नजर आई। यानी कि इन उपचुनावों में कांग्रेस को ही जीत मिली, जिसके बाद बीजेपी सरकार जवाब देने से बचती रही। लेकिन बीजेपी सरकार की माने तो कहीं ना कहीं इस चुनाव से उन्हें अंदेशा लग गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे उनके लिए ऐसे ही साबित हो सकते हैं। इससे पहले उन्हें जी तोड़ मेहनत करनी होगी और जमकर प्रचार प्रसार करना होगा और लोगों तक पहुंचना होगा, जैसा कि कांग्रेस इन दिनों कर रही है। आपको बता दें, कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट के नेतृत्व में ये चुनाव हुए थे और उन्हीं की बदौलत उनकी मेहनत रंग लाई और तीनों सीट पर उन्होंने चुनाव जीता। और इसका अंदाजा विधानसभा सीटों पर लगाया जा रहा है कि अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कहीं ऐसा नतीजा दोबारा ना आए जो नतीजा कांग्रेस के पक्ष में निकले। तो देखा आपने कि किस तरह से वहाँ की लड़ाई, जो कि वहाँ के केवल प्रत्याशियों की नहीं थी बल्कि कैसे वहाँ की लड़ाई सीएम पद को लेकर भी रही, जिस तरह से वहाँ की लड़ाई सिंधिया बनाम सचिन में पलट गई। जी हाँ, और अब चलते हैं खबर की ओर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि प्रदेश की जनता यानी कि वसुंधरा सरकार को झूठे वादों के लिए अगले आम चुनावों में सबक सिखाने को तैयार है। यानी कि राजस्थान की जनता अगले आम चुनावों में, जी हाँ, यानी कि 2019 में आम चुनावों में राजस्थान की जनता वसुंधरा सरकार को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। गहलोत ने जोधपुर में एक पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भगवा पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जी हाँ, और आगामी चुनावों में यह फिर से सत्ता में नहीं लौटने वाली। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कुशासन और झूठे वादों को लेकर जनता में बीजेपी सरकार के खिलाफ भारी असंतोष है। उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों में हाल ही के उपचुनावों में बीजेपी 10 विधानसभा सीटें गंवा चुकी है। देखिए, बहुत बार एक जानकारी मैं आपको और दे दूँ, उन्होंने ये भी बताया कि विभिन्न राज्यों में हाल ही में उपचुनावों में बीजेपी 10 विधानसभा सीटें गंवा चुकी है। ये विभिन्न राज्य वही हैं जिनका मैंने आपको बताते हुए पहले जिक्र किया था। और गहलोत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार, काला धन, रोजगार और किसानों को उचित मूल्य दिलाने के अपने वादों को पूरा करने में बुरी तरह से विफल साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ किसान, युवा, छात्र और दलित सभी नाराज हैं और व्यापारी वर्ग भी खुद को ठगा महसूस कर रहा है। यानी कि सारी समस्याओं को इन्होंने एक साथ बोल दिया है। उन्होंने कहा है, जो कथित झूठे वादे बीजेपी ने किए हैं उनके लिए देश की जनता अब आगामी आम चुनावों में इन्हें सबक सिखाने को तैयार है। गहलोत ने इस मौके पर युवाओं से आह्वान भी किया कि देश की एकजुटता के लिए असहिष्णुता, हिंसा और नफरत के माहौल से लड़ने के लिए कांग्रेस को ज्वाइन करें। यानी कि इन्होंने वो सभी मुद्दे गिनाए कि किस तरह से भ्रष्टाचार, कालाधन, रोजगार और किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए अपने वादों को पूरा करने में मोदी सरकार विफल रही है। जी हाँ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि किसान, युवा, छात्र और दलित सभी नाराज हैं और हाल ही में नोटबंदी और GST को लेकर भी उन्होंने ये कहा है कि व्यापारी वर्ग खुद को ठगा महसूस कर रहा है। लेकिन ये व्यापारी वर्ग ही ज़्यादा जानते हैं कि आखिर वो इसके बाद अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं या फिर इससे राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि GST, जाहिर सी बात है, GST कांग्रेस के शासन में भी आने वाली थी लेकिन दुर्भाग्यवश हुआ नहीं। लेकिन उस GST और इस GST में फ़र्क क्या है, ये भी व्यापारियों को अच्छी तरह से जानना चाहिए कि उस जो कांग्रेस शासन के दौरान लाई जा रही थी GST, उसमें क्या फ़र्क है और जो अब लाई गई है मोदी शासनकाल में उसमें क्या फ़र्क है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, और इसको लेकर ही
जो कि उन्होंने कहा है, इन्होंने हमला किया है अशोक गहलोत ने सीधे सीधे तौर पर कि राजस्थान सरकार से जनता उब चुकी है, राजस्थान की जनता उब चुकी है, झूठे वादों से जनता उब चुकी है और राजस्थान की जनता उन्हें सबक सिखाने को तैयार है, क्योंकि हाल ही में वहाँ पे साल के अंत में वहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद जो कि बीजेपी की अग्नि परीक्षा होने वाली है जो कि 2019 में, और तब पता चल पाएगा कि आखिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा, पीएम नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी। भले ही इनके चेहरे अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उम्मीदें यही जताई जा रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।